स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का। काफी रोमांचक मुकाबला आज होने वाला है इस टीचर डे के स्पीच कंपटीशन में। बच्चे आज अपने भावनाओं को, विचारों को, थॉट्स को हमारे बीच आज रखने वाले हैं, और विचारों और भावनाओं का अंदर से निकल के आना काफ़ी ज़रूरी है। तभी आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो आप अपने थॉट्स को बाहर रख पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा, और बच्चे इसी कॉन्फिडेंस के साथ आज हमारे बीच आए हुए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। माननीय अतिथि, आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी समस्त शिक्षक के महत्व पर एक छोटा सा भाषण देने जा रहे हैं। मेरे आपसे विनती है कि कृपा करके ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक सुने। शिक्षक अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म 1888 को हुआ था। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच खुशी और रिश्तों को मनाने के लिए शिक्षक दिवस एक बड़ा अवसर है। देश में रहने वाले नागरिकों को भविष्य और राष्ट्र निर्माण करते हैं। शिक्षक हमारे व्यक्तित्व और विश्वास और कौशल स्तर को भी सुधारते हैं। यह अपने शिक्षकों को समान और उभार प्रकट करने के लिए समर्पित किया गया है। सत्य के राह पर चलना सिखाते हैं और जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों का जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज दिनांक 5 सितंबर 2022 को माननीय अध्यापक पवन सर तथा उदय सर और यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र छात्राओं और इस वीडियो को देखने वाले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज मैं शिक्षक दिवस के बारे में दो शब्द बताने जा। हम सभी के जीवन में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। सभी छात्रों को सही मार्ग की ओर उन्मुख करते हैं, गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के तिरुतन्नी गांव में हुआ था। उनका बचपन तिरुतन्नी गांव में व्यतीत हुआ। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली रामास्वामी और माता का नाम सीता। की अच्छी ना होने के कारण अपनी शिक्षा छात्रवृत्ति के आधार पर पूरी की। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। वह भारत के अमूल्य रत्न थे। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। उन्होंने शिक्षा में अतुलनीय और अविस्मरणीय योगदान दिया। दुर्भाग्यवश 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद।